ये चिकन वाला कटलेट से ठीक है जी। ये जो दाल है ये कितनी गाढ़ी है, ये इस पे ये मक्खन आया हुआ है पूरा, ये देखें। हमें दिखा दूं मिर्चें भी इनकी फिल्ड है, ये देखें। On regular days, you can have the amazing chumanta chaat और उसके साथ साथ गुजराती मालपुआ। तो देसी पैनकेक होता है, तो usually इसको खीर के साथ खाया जाता है। यार मुझे ये काफी यूनिक सी चीज लग रही है। आज आप खाएंगे मेरा चिकन टिक्का, बिरयानी और खमन ढोकला। चूमंदर चाट का नाम ही काफ़ी अनोखा है, मतलब इसको खा के आप गायब नहीं हो जाते, पर हाँ इसके फ्लेवरफुल दुनिया में खो ज़रूर जाते हैं। ये लोग की फैमिली है जो यहाँ पे ये चूमंदर चाट बनाती है, और ये चाट का जो आप इतना बड़ा पतीला देख रहे हैं ये घर से बन के यहाँ पर आता है। इसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आए हुए होते हैं। आपकी बहन भी आ गई है यहाँ पे खाने के लिए। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार किस्म का है भाई। पतीले के अंदर से ये लोग निकालते हैं चाट जो कि बनी बनाई है, उसके ऊपर डालते हैं मज़ेदार किस्म की इमली और टमाटर की चटनी और एक लिक्विड वाली चटनी जो ये लोग खुद घर में बनाते हैं और इनकी सीक्रेट रेसिपी है। फिर इसको लोड करते हैं फुल ऑन चाट मसाले के साथ और ऊपर से टूटी हुई पापड़ी। इज़न्ट दिस ग्रेट? तो आई हैव माय चूमंदर चाट ओवर हियर, प्रॉपर लोडेड है ये। मैंने जैसा आपको बताया था कि ये इनका खानदानी काम है और ये 50 सालों से यहीं पे स्टॉल लगाया हुआ रखा हुआ है इन्होंने। और प्रॉपर स्पाइस इसके अंदर इन्होंने डाल दी, क्योंकि भाई मैंने तो रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेक इट मोर स्पाइसी। और एक बात बता दूँ, ये बहुत हैवी चाट है ये, और ये बहुत डिफरेंट भी है। जो आप धोराजी में और भादराबाद में खाते हैं ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। और ये गर्म भी है, जस्ट लुक एट द क्रंच एंड मसाला। मूविंग ऑन टू द मालपुआ, ओके तो ऑन टू द मालपुआ ना। मालपुआ बेसिकली आप बंगाली एंड उत्तर प्रदेश पे एक फ्लफी सा, मैं कहूँ तो देसी पैनकेक होता है, तो यूजली इसको खीर के साथ खाया जाता है, पर इन्होंने यहाँ पे रबड़ी के साथ सर्व किया हुआ है। इस तरह ये बनता है कि पहले बैटर को इस तरह से कप में पोर किया जाता है एंड देन ये गरम गरम तेल के अंदर फ्राई हुआ जाता है। ये रहा हमारा देसी पैनकेक, और ये इसके अंदर डिप हो रहा है रबड़ी और AKA मलाई वीगन से। इतना फ्लेकी है, ज़्यादा मीठा है और ये थोड़ा सा फीका है, तो इतना अच्छा एक फ्लेवर बैलेंस हो रहा है। क्या मुझे ये काफ़ी यूनिक सी चीज़ लग रही है। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने तोड़ा है समोसा, उसके बाद उन्होंने जो है इसके अंदर पकोड़े और ये क्रिंकली फ्राइज डाले हैं, ये रहे पकोड़े इसके, और फिर ऊपर से इन्होंने ये मज़ेदार सी मसाले वाली इमली वाली लाल जो चटनी होती है वो डाली है सामने ना मिक्स से, तो ये मुझे बहुत यूनिक चीज़ लगी है। इतना सारे फ्लेवर्स एक ही प्लेट के अंदर हैं। वाओ, एंड माय फेवरेट पापड़ी। ये रहे पकोड़े, दिस वाज समथिंग यूनिक, मैंने पहले ऐसी नहीं खाई थी। व्हाट्स बेटर देन हैविंग अमेजिंग 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 थाली ऑफ दाल चावल। हैदरी आए और अगर आपने ये वाली दाल चावल नहीं खाई तो आई गेस आपका हैदरी आने का कोई काम नहीं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, मतलब मैं कहूँ मेरा बंक वर्थेड है। बस ये मेरे बॉस और मेरी अम्मी वीडियो ना देखे। यहाँ पे आके मैंने दाल चावल खानी है, ठीक है जी, और इसकी मैं जो भूरा पूरी थाली है ना, भूरा थाली मैं वो लूँगी। मुझे इनके कटलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी भूरा फ्राइड चिकन भी बहुत अच्छी है जो ड्रम स्टिक से लोग दे रहे होते हैं, लेकिन इनके कटलेट्स कोई नेक्स्ट लेवल है इनके कटलेट्स। अच्छा, ये जो है वो इनकी दूसरी जगह है, ठीक है जी। यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे ये वाला सेटअप सारा लगाया हुआ है। इधर आपको पापड़ी मिलेगी, इधर समोसे हैं, ठीक है, मिर्चें ये रही, सही है। यहाँ पे आपको भूरा फ्राइड चिकन मिल जाएगी, इधर उधर टिक्का फ्राइड हुआ हुआ है। जो भूरा फ्राइड चिकन है वो थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट होती है, वो टेस्ट में भी डिफरेंट होती है और उसकी जो कोटिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है, सही है, क्योंकि वो अंदर भी इतनी अच्छी मैरिनेट हुई हुई होती है और बाहर ना उसको अंडे का बहुत ज्यादा फेट के ना उसके ऊपर कोटिंग लग रही होती है, वो अंडा भी सीजन होता है। मैंने सोचा मुझे कटलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई थिंक सो मैं आपकी जो है ना वो जो कटलेट्स वाली दाल चावल है ना वो लूंगी। मैंने आपसे कहा था ना इनका चार बड़ा मुख्तलिफ होता है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ना, अनारदाना भी शामिल किया हुआ है, ठीक है, इसमें खटाई भी है, इसके अंदर जितना भी स्पाइस है वो सबका सब जो है वो ड्राइड स्पाइस है, और इनका अचार जो है वो आम अचारों से ज्यादा मजेदार, गाढ़ा
और बहुत फ्लेवरफुल होता है। मुझे ना इसकी कंसिस्टेंसी मुरब्बे की तरह लगती है। आई एम श्योर मेरा जो भी ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा मुरब्बा क्या होता है। अच्छा भाई, अब मेरी बन रही है थाली। सही वक्त पे आने का नतीजा ये है कि चावल मिल गए मुझे। चावल के बाद इस पे जा रहे हैं पापड़ी, समोसे। अच्छा ये वन बाइट समोसे हैं, चिकन चिलो, एक और मिर्च है, डबल मिर्च है। अच्छा डबल मिर्च है। अच्छा भाई, अच्छा चिकन कटलेट्स आ गया, ये देखें अचार आ गया, सैलेड आ गया, और अब जा रही है स्टार ऑफ द शो दाल। ये जाएगा इसमें मक्खन। ओ यम्मी, जबरदस्त भाई। अभी हमारी जो है वो थाली हो गई है पूरी की पूरी, माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट। अच्छा ये जो है ना, ये है सादा कबाब थाली, सही है। इसके अंदर ये सब कुछ आ गया है, आपकी दाल आ गई है, इसके अंदर अचार आ गया है, दो मिर्चें, बड़ा एक मिर्ची होती है, एक वन बाइट समोसा होता है, आपके राइस अच्छी क्वान्टिटी में होते हैं, पापड़ी होती है, और सैलड होता है। ये आराम से ना आपका फुल डे का मील है, इजीली आपका पेट बहुत अच्छा भर जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कबाब ज़रा तोड़ के दिखाऊँ। ये चिकन वाला कटलेट से, ठीक है जी। मैं अचार के साथ खाऊंगी। जब आप यहाँ पे आके खाओगे ना, आपको एक फील आता है घर वाला। ये जो दाल है ये कितनी गाढ़ी है, ये इस पे ये मक्खन आया हुआ पूरा, ये देखें किस कदर गाढ़ीदार है। और ये अरहर की दाल है, सही है। मैं आपको ये भी बता दूं, अच्छा भाई हमने जो है ना दाल इधर डाली है, सही है। ये हमने बनाया लुकमा, अब इस लुकमे को हमने रखा ऐसे, ये पापड़ी हमने रखी इधर, इधर से लिया अचार, ये एक अच्छा खासा मजे का लुकमा बन चुका है। इनकी जो दाल है ना, इसको सूप की तरह पी सकते हैं आप लोग। मतलब यहाँ तो ना आप लोग मेरा व्लॉग देख के आप बन करके यहाँ पे आ सकते हैं। बंक का मजा जो आ रहा है ना, इसको मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा गाइज, मैं आपको ना एक चीज बता दूं कि ना घोड़ियों के खानों में ना एक लज्जत, एक मजा, एक अपनाइयत होती है। पता है, पता नहीं क्यों इनका हर बाइट जो होता है ना वो इतना फ्लेवरफुल होता है, इतना फ्लेवरफुल होता है कि मजा आ जाता है। भाई अचार के अंदर मैंने जो है मिर्चें डुबोई हैं, एक लुकमा बनाया है, मैं इसको खाऊंगा। पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ये इनका बाइट साइज समोसा है, ये फिलिंग है इसके अंदर, स्पाइसी फिलिंग है, मजेदार फिलिंग है। गाइस मेरा मिर्चों पे हाथ नहीं रुक रहा है, मैं दिखा दूं मिर्चें भी इनकी फिल्ड है, ये देखें, सही है। इनकी हर चीज ना बहुत ही ज्यादा जेनरस क्वांटिटी में आपको मिलेगी, आराम से मेरे साथ ना दो लोग ये शेयर कर सकते हैं। और इसमें आलू फिल्ड हुआ है मिर्चों के अंदर, ओ हो हो, दाल के अंदर आपकी बहन ने इसको डिप किया है, एंड आई विल ईट दिस नाउ। जिनका क्या खाने वाले हैं आज? आप खाएंगे मेरा चिकन टिक्का बिरयानी और खमन ढोकला। जैसे कि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी के लिए, मैंने चावल उबाल के रखे हैं। पहले तो हमारे बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। चलिए हम शुरू करते हैं मैरिनेशन। आप अपने हिसाब से ही डाल लें, जितने आपको तीखा चाहिए हो। वैसे तो चटपटी बनेगी ये टिक्का रेसिपी। टिक्के का लुक देने के लिए हम इस पर कोई टमाटर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। ये बेसन हमने एक पाव के करीब ले लिया। जितना अच्छा आपका स्पंज होगा, ब्लैटर होगा, इतना अच्छा आपका स्पंज बनेगा। देख सकते हैं ये क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो गई, डबल हो गई ऑलमोस्ट। हमारा ब्लैटर बिल्कुल तैयार है। ये आपने पैन रख दिया है, इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लेंगे। आप देख लीजिए, पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे छोटे क्यूब्स के शेप में। ये देखिएगा बराबर से, ये आप देख सकते हैं हमारे जबरदस्त से खमन ढोकला बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बड़ी जबरदस्ती तैयार हो गई है। अब हम इसको सिर्फ डिश आउट करना है और इसके मजे लेने हैं। घर की सिंपल और साफ सुथरी बिरयानी जिसमें आपके ज्यादा ना मसाले लगे हैं और ज्यादा मेहनत नहीं। तो ये बोरा स्टाइल बिरयानी है, ये बोरी स्टाइल बिरयानी है। मैंने बोरा स्टाइल बिरयानी पहली बार खाई है, तो फर्स्ट टाइम के लिए अच्छी है। ये रहा, मैं